अगर आपको जाने का अगर मौका मिलता है डेफिनेटली आई वुड लव टू गो। रुकिए ना रुकिए ना, हम किधर गए थे इतने दिन से? बहुत दिन बाद। बाय बाय। नहीं वो नहीं देख रही, बिग बॉस देख रही। बिग बॉस में जाना चाहिए आपको। मैम लास्ट टाइम भी आपने इतना अच्छा गेम खेला, तो इस बार अगर जाते तो क्या लगता है किस तरीके अच्छा खेलूंगी? अब तो मैं थोड़ी प्रो हो गई हूं ना। देखा है सुमिता शेट्टी काफी अच्छा गेम खेल रही है, मैम अच्छा खेल रही है, जो है बोलती है, वो अपना ओपिनियन रखती है, डरती नहीं है किसी से, व्हिच इज वेरी गुड आई थिंक। और उससे पहले मुझे करण का बहुत अच्छा लगता था, बहुत डिग्निफाइड था, तो राकेश बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जो इज्जत से खेलता है मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं। अभी हाल फिलहाल में राखी जी भी अरे वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी राखी इज गुड। राखी बहुत मैम, कल करणवीर बोरा जी ने कहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला को भी एक दो एपिसोड के लिए होस्ट करना चाहिए। करें जिसको करना है सब करना चाहिए, सबको होस्ट करना चाहिए। मैं तो चाह रहा कि आरती जी को करें। रक्षाबंधन कैसा गया मैम? हाँ जी रक्षाबंधन कैसा गया? बहुत अच्छा गया, अच्छा था रक्षाबंधन। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय मैम। मला कसं माहित पडलं टॅलेंट बस आली सामने से। थैंक यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। थैंक यू। अचानक से सर? नहीं नहीं, कुत्ते ने काट लिया था तो मैं 2 दिन आराम कर रहा था बिग बॉस का सेट पे। नहीं उसके बाद जब मैं गुजरात को जा रही थी ना, तभी वो गाउन में ही वो खींच रहे थे। मैम तो इंजेक्शन लिए कि नहीं? अपने टिटनेस के इंजेक्शन होते लिए फिर? इंजेक्शन लेना पड़ता है क्या मैम? जरूरी है, इसीलिए 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे क्या? नहीं आजकल तो 3-4 में ही काम हो जाता है, 14 वाला सिस्टम गया। मुझे नहीं पता क्या हुआ, कुछ धमाल हुआ? आपने नहीं देखा? करण जी के साथ बहुत मजा आया मुझे, करण जी के साथ बहुत 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 मजा आया, उनके साथ बहुत फन रहा बिग बॉस में। इस टाइम के कंटेस्टेंट बहुत अच्छे हैं, मेरी फ्यू जो ठंडे हैं उनको बिग बॉस ऑलरेडी निकाल दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है फेवरेट, हर हफ्ते यहाँ पे तो मूड चेंज होते रहता है, बट आई लाइक प्रतीक, अक्षरा, दिव्या, शमिता, दे आर वेरी गुड। मॉर्निंग आरती सिंह भी मिले थे, बोल रहे मुझे अगर जाने का चांस मिलेगा तो मैं जाऊंगी। कौन? आरती सिंह जी, कृष्णा भी सिक्के सिस्टर। हाँ हाँ हाँ, नहीं फर्स्ट टाइम ही गई ना मैं। नहीं आप सेकंड टाइम, हिना जी के भी साथ में आप? हाँ नहीं वो तो सब अंदर है ना, मैं तो बाहर से ही सबको मिली हूँ, अंदर मैं अंदर नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा क्वारंटाइन नहीं हुआ, ऊपर से कुत्ते ने मुझे काट लिया। आई डोंट नो, आई थिंक शी वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग, रिधिमा कुछ नहीं कर रही होगी। और यहाँ पे तो पब्लिक के ऊपर है ना, मेरे ऊपर थोड़ी है, पब्लिक के ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है ना। क्या हो रहा है और सब क्या हो रहा है? जूली का कैसे था? अच्छा था जूली का, एकदम जूली। हाँ जूली तो अंदर गई थी ना, मैं भूल गई। हाँ जूली तो अंदर गई थी, बिग बॉस हाउस में गई थी अंदर। जूली की जगह कोई ले नहीं सकता। हाँ वो बहुत डर गया था जूली को, ऐसे थोड़ा करीब गई ना, क्या नाम है वो, जिशान, जिशान, उसने थोड़ा सा एक झलक देख लिया तो डर गया। मैंने सलमान भाई को नहीं देखा तो सलमान भाई की फोटो के साथ, सोहेल भाई की फोटो के साथ राखी बांधी मैंने, और मेरा विकास भाई से मिली, मिठाई खिलाई, हम लोग खाना खाए और फिर रक्षाबंधन। हम लोग को नहीं बुलाया, अकेले हम लोग बहुत लेट गई थी मैं रात को शूटिंग से बिग बॉस के आने के बाद, उसके बाद हाँ लगड़ा तो लगड़ा तो गई थी लेट गई थी। थैंक यू। इंजेक्शन ले लो जरूरी है, इतना डेप्थ नहीं हुआ है मुझे। अच्छा इतना जिंदगी झंड हो गई है, कभी वैक्सीन के इंजेक्शन लो, कभी कुत्ते के काटने के इंजेक्शन लो, कभी मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शन लो, कभी D3 के इंजेक्शन लो, कभी B12 के इंजेक्शन लो, इंजेक्शन लेते लेते मैं थक गई हूँ,
मैं सोच रही हूँ कुत्ते को मैं फिर से काट लूं। कुत्ते को लेना पड़ेगा। अरे मुझे वो बहुत सैड लग रहा है, सलमान जी को एयरपोर्ट पे रोक दिया था। आप लोग ने देखा था क्या? वो पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं जानबूझकर खुद हिट होने के लिए? क्या सलमान जी खुद उनका फेस एक आईडी है? सही बात, ये गलत है ना। आप जानबूझ के उनको, हमारे बॉलीवुड के लेजेंड है और इतना बहुत जोश आया था तो उस टाइम पे कैसे वो बहुत सारे लोग ताज के वहाँ पे घुस गए थे, तभी क्यों सिक्योरिटी नहीं थी? सलमान जी को रोक दिया एयरपोर्ट पे, वो जानबूझ के, मालूम है कि मीडिया पीछे मेरा फोटो आ जाएगा, ये गलत है ना? क्या वो बंदा पुलिस वाला सलमान को नहीं जानता है? वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, गलत है। और वैसे बहुत बहुत सारी हीरोइन है, मैं नाम नहीं लूंगी, अपने जिग क्या वो बॉडीगार्ड लेके तो ऐसी घुस जाती है। सलमान जी के साथ ऐसा कोई करता है वेरी बैड, नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए सलमान जी के साथ ऐसा, उनको एयरपोर्ट पे कभी नहीं रोकना चाहिए। वो हमारे लेजेंड है बॉलीवुड के और वो खुद मास्क निकाल के जा रहा है बंदा, ऐसा नहीं कि मास्क पहना हुआ है, मास्क निकाल के जा रहा है तो भी जानबूझ के वो पुलिस वाले ने उसको रोक दिया। किधर? एयरपोर्ट पे। देखो शाहरुख, सलमान, आमिर भाई, आमिर को भी रुके थे क्या? रुके नहीं, मतलब बोल रहे हम लोग क्यों यार ऐसे करते, हमारे बॉलीवुड के लेजेंड है, दूसरे लोग तो ऐसे चले जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेलिब्रिटीज को देख के लोग रोक लेते हैं। नहीं मैं तो अपना आईडी खुद दिखा, चले भाई देख ले। खुश हो जा, खुश हो जा। क्या हॉट पिक्चर, ओह माय गॉड, इतनी हॉट, इतनी हॉट टीना, कौन किसी और को बोल रहे हो? लुक एट हर, आई मीन तीनों जी हम तो बोल रहे हैं सारा जिम स्टार्ट कर दीजिए राखी जी के साथ। यू सैड जिम? नहीं नहीं मैं तो शूट पे आई थी, बट आप बोलोगे तो मैं आपके साथ आ जाऊं। ओह सो स्वीट। मैडम मैडम बाहर आइए, बाहर आ जाइए ना, बाहर थोड़ा मैं रील कंटेंट शूट कर रही हूं। अच्छा रील के लिए? रील्स में पापा अभी नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं, उसके बाद देखने को मिलेगा। हमें भी कभी मिला होगा पापा के साथ? डेफिनेटली पापा खुश हो जाएंगे इतने सारे मीडिया देख के। डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ आएंगे तो मैं आप सबको बुलाऊंगी। थैंक यू, आ जाइए आ जाइए। वो चिल्ला रहे दो तीन।